चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे गैन टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे मंथली या वीकली या डेली चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम उसका टाइम बॉटम बनने का एक टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी हम स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं हमारे नॉलेज के बेसिस पे, उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस वीडियो को ओनली एजुकेशनल पर्पज से ही ले। सेकेंड थिंग, मैं आज आप लोगों को स्टॉक मार्केट में किस तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है, फ्यूचर प्रेडिकेशन कैसे की जाती है, वो मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं शेयर करूंगा, जिसका गैन प्राइस टाइम साइकिल एनालिसिस है उसके बेसिस पे। अब इससे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 80-90% एक्यूरेट होने के चांसेस होता है। 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ओनली एक एनालिसिस होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम जिधर होता है उस डायरेक्शन में हम चलते हैं। तो इसलिए इसको जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं ओनली उसको व्यू करें और वॉच करें कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल एंगल के बेसिस पे ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका प्राइस और डेट कैसे बॉटम बनेगा। तो आज हमने दो स्टॉक का एनालिसिस किए हैं जिसका आपको प्रूफ दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से सटीक लेवल और डेट निकल के आया है। लेकिन सबसे पहला जो स्टॉक है इंफोसिस है, सेकंड आईटीसी है, दोनों का बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इंफोसिस अपना बॉटम से बहुत ऊपर आ चुका है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, चार्ट पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस पे अभी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन सेम चीज इन्फोसिस का जो रैली जो लोग मिस कर गए हैं उनके लिए एक दूसरा स्टॉक लेके आया हूँ जिसका बॉटम का टाइम और डेट मैच करने के साथ साथ अभी टॉप नहीं बना है और ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मैं निफ्टी के मंदी की बातें करता हूँ, साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि कुछ स्टॉक ऐसा होगा कि जो कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, तो उसी के पर्पज से मैं ये वीडियो डेवलप कर रहा हूँ कि जो लोग इन्वेस्टर हैं और अपनी एनालिसिस करते हैं उनके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि इन्फोसिस की तेजी जैसे मिस कर गए हैं, ये दूसरा जो स्टॉक है आईटीसी की रैली को मिस नहीं करना चाहिए और जो भी ट्रेड करें उसको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के फेवर में करें। तो ये रहा हमारा सबसे पहले इन्फोसिस का एनालिसिस। इन्फोसिस का जो मंथली चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो टॉप बना था ये जून 2016 में बना था और इसका जो टॉप था 1280 का और इसका लो जो था जो जुलाई 2015 में और इसका प्रीवियस टॉप जो था सेकंड फरवरी 2015 में। तो इस तरीके से ये टॉप और बॉटम बना करके ये नया हाई बनाया था 2016 में। तो अब इसके बेसिस पे जो बॉटम का जो डेट निकल के आया था मंथली चार्ट के बेसिस पे मैंने लेवल निकाला है इन्फोसिस का, वो इस तरीके से है। हमने ये सॉफ्टवेयर में डाल दिया है इसका डेट और टाइम और एनालिसिस करके ये हमें मिला कि ये जो टारगेटेड डेट जो इसने फिक्स किया था ये 28 अक्टूबर 2016, मतलब 28 अक्टूबर 2016 को अपना ये बॉटम बना लेगा। अब हम देखते हैं 28 अक्टूबर 2016 का क्या लेवल था।
एक मिनट, मीन्स अक्टूबर मीन्स नवंबर आप मान के चलिए, क्योंकि मंथली डेट लिया है मैंने, एग्जैक्ट डेट तो लिया नहीं है। नवंबर के महीने में इसने क्या बॉटम बनाया है, तो नवंबर के महीने में आप देखिए, नवंबर के महीने में जो बॉटम बना है 28 अक्टूबर, मीन्स ये अक्टूबर का ये पूरा कैंडल है, और उसके बाद नवंबर में जो बॉटम बना है ये बॉटम बना है। एक्चुअली मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं, एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं मिलता है। तो आप ये देखिए, 900 का इसने एक बॉटम बनाया है नवंबर 2016 में। तो हमारा जो एनालिसिस था ये नवंबर 23 अक्टूबर, मीन्स मतलब नवंबर अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर में, तो इस तरीके से 23 अक्टूबर के सीरीज में इसका बॉटम बनने का टारगेट था, और ये बॉटम का जो प्राइस था, सॉरी 28 अक्टूबर 2016, और 28 2016 का जो लेवल है ये हमारा अक्टू नौ 2016 का जो लेवल था 900 का, ये बॉटमिक प्राइस था। तो बिल्कुल इसने एक फाइनल बॉटम बनने का टाइम फ्रेम जनरेट कर दिया, उसके बाद एक कंसोलिडेट होकर के ये प्राइस मूव किया है, और यहाँ से हम ऊपर होते हुए जाते हुए देख रहे हैं। तो ये जो टाइम प्राइस एनालिसिस है, गैन टाइम प्राइस एनालिसिस, ये परफेक्ट आपको बॉटम बनने का एक टाइम और टारगेट दे देता है, और टारगेट भी मैच किया, जो भी उस डेट के आसपास जो भी बॉटम बनता है, 1250 से 900 का बॉटम बनता है, तो वहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल था वो 100% 931 का था, उसके नीचे जाने का मतलब कि 123% और 161% का रिट्रेसमेंट हो सकता था। तो इसने मैक्सिमम जो, अब अगर 100% का रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ चुका है बाजार, तो और नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बॉटम बना वहां से ये करेक्शन लिया और बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक पैनिक बॉटम 860 का लेवल बना करके ये ऊपर की तरफ आया। तो जिस तरीके से हमने डाउनसाइड प्रेडिकेट किया था, उसी तरीके से उसका अपसाइड भी प्रेडिकेशन कर सकते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये प्रूफ होता है कि इन्फोसिस का जो बॉटम बना उसका डेट आ गया। अब इसमें एक चीज और भी प्रूफ होता है कि बॉटम बनते ही उस स्टॉक में जंप नहीं करना चाहिए खरीदने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक 1 ईयर तक ये कंसोलिडेट करता रहा, और अक्टूबर में लास्ट जो इसका फाइनल बॉटम 860 का जो बॉटम बना ये अगस्त 2017 में बना। तो इस तरीके से बॉटम बनने का डेट फिक्स हो गया था। सेम चीज अब हम स्टडी करेंगे आईटीसी का। आईटीसी का जो बॉटम एनालिसिस था उसका भी एनालिसिस, जो लेवल निकल करके आया था, डेट निकल के नवंबर 2017 में, तो नवंबर 2017 में जो आईटीसी का बॉटम बना है वो हम देखते हैं, नवंबर 2017 में जो प्राइस बना है ये आप देखिए, नवंबर अक्टूबर लास्ट मीन्स अक्टूबर का कैंडल का लो देखिए 259, और नवंबर का बॉटम देखिए 250। तो 250 मतलब एक महीना के अंदर में ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया, तो इसका भी डेट अच्छा निकल के आया है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होकर के निकल के आया है। अब यहाँ से, और इसने जो टारगेट अचीव किया है ये 100% 78% करेक्ट किया है, और 78% करेक्शन एक बहुत अच्छा करेक्शन होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की तैयारी करेगा, और उसका जो लेवल है मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा, प्राइस टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे मैं सेकंड टाइम में कोशिश करूंगा कि इसका क्या और डेट निकल के आया है। उससे पहले मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट में, ये राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी कर रहा है, राउंडिंग बॉटम, और इस तरीके से ये प्राइस राउंड होते हुए ये अगले 1 साल के अंदर में इस प्राइस को टच करने की कोशिश करेगा, मीन्स कि अप्रैल मई या जून तक ये 2320 तक जाने की कोशिश करेगा। तो और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ये जो लेवल है 275 के ऊपर, अभी तक गिरावट बॉटम बनने के बाद कभी भी 277 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, 275 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। इसका पहला
रेजिस्टेंस जो है 290 का है, और 290 और 279 275 तक एक कंसोलिडेट करेगा, दोबारा इसका जो लेवल आएगा ये 290 के ऊपर निकलेगा तो ये 320 तक आएगा। तो ये जिस तरीके से हम इन्फोसिस के रैली को मिस कर गए हैं, तो आईटीसी में बॉटम जो बनना था वो बन चुका है। यहाँ से आईटीसी 290 तक मूव कर सकता है और 275 के ऊपर ब्रेकआउट है। ये थर्ड अटेम्प्ट किया है, मीन्स कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, थर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है 275 के लेवल को तोड़ने के लिए। तो आज थर्ड अटेम्प्ट 100% मेरी जो पहले का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट अगर आज सक्सेस हो जाता है, 275 के ऊपर क्लोजिंग ले लेता है, डेली चार्ट पे देखते हैं 275 के ऊपर क्लोज दिया है नहीं दिया है, तो इसने कोशिश तो किए हैं बहुत बार क्लोज करने का लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है, 275 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अगर इस 275 के ऊपर 277 के ऊपर ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसमें बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या मेरी एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9871604403, और मैं गैन टाइम साइकिल की एनालिसिस की स्टडी भी कराता हूँ। किसी को स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।